गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर नेक्स्ट लेसन वंडरफुल वेस्ट। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर बुक्स एंड लुक इनटू द बुक्स वेरी केयरफुली। वंडरफुल वेस्ट, एज नेम इंडिकेट्स, वंडरफुल मैंने अद्भुत, बड़ा हैरान करने वाला, वेस्ट मैंने जो व्यर्थ है, बेकार है। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, वेस्ट भी यूजफुल हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, अपने आप इस स्टोरी से आपको पता चलेगा, ठीक है। लुक इन टू द बुक्स। वंस द महाराज ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार महाराजा ऑफ ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने महल में एक भव्य भोजन का, ग्रैंड डिनर का, रात्रि भोज का आयोजन किया, ऑर्डर किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। इन द आफ्टरनून, दोपहर में महाराजा ने महल की किचन में एंट्री की, सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि रात्रि भोजन के लिए कौन कौन से डिशेज, कौन कौन से व्यंजन जो हैं वो प्रिपेयर बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। महाराजा ने जो कुक था, जो रसोईया था, ठीक है, जो बावर्ची था, खाना बनाने वाला था, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा कि ये जो वेजिटेबल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि आपने जो वहाँ बास्केट रखी थी, बास्केट ऑफ स्क्रैप मतलब बास्केट मैंने टोकरी, स्क्रैप मैंने वेस्ट, जो छिलका है, जो आपने जो सब्जी का छिलका उतारा है, उसका आप क्या करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उसने पूछा, महाराजा ने पूछा रसोइये से। द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये तो वेस्ट हैं, we will throw them away, हम इन्हें बाहर फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables, find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. राजा ने जोर से कहा और आदेश देते हुए कहा कि तुम इन सब टुकड़ों को, सब्जी के छोटे छोटे टुकड़ों को, bits and pieces of vegetables, सब्जी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप उन सबको वेस्ट नहीं बोल सकते, उन सब का तुम कोई अच्छा तरीका यूज करने का बनाइए, उनको यूज कीजिए, जो ये छिलके हैं और जो छोटे छोटे सब्जी के टुकड़े कटे हैं उसका कुछ यूज कीजिए, उससे कुछ बनाइए, उसको आप बाहर नहीं फेंक सकते, ठीक है, उसने, राजा ने आदेश दिया। द कुक वॉज इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का मतलब दुविधा में आ गया, ही वॉज पजल्ड, वो दुविधा में आ गया, मुश्किल में पड़ गया कि मैं क्या करूं, राजा ने तो बोल दिया कि इनको यूज करो, इनका कुछ सब्जी बनाओ, इनका कोई डिश बनाओ, तो कैसे बनाऊं। द कुक वाज इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का मतलब दुविधा में आना, मुश्किल में पड़ना, उलझन में पड़ना। केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स, और वो स्टेयरिंग मैंने घूर कर देखना, एक टक देखना, और वो जो कुक था, जो बावर्ची था, जो खाना बनाने वाला है, जो रसोईया है, वो एक टक लगा करके, एक टक टक मतलब एकदम एक टक ही लगा करके उन सब्जी के छिलकों की तरफ, वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ देखने लगा। सडनली, अचानक क्या हुआ, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब एक उसके दिमाग में एक युक्ति आई, एक युक्ति उसको सूझी। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल, उसने वो सभी टुकड़े और उसके जो छिलके थे, जो वेस्ट था सब्जी का, वो लिया और उनको धो डाला, वॉश, क्लीन्ड देम, और उनको साफ कर दिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसके बाद उसने उनको लंबी लंबी, उसको फांके में छील दिया, काट दिया, लंबा लंबा उसको टुकड़ा में काट दिया, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, उसने उन टुकड़ों को एक बड़े पॉट में, मटके में, जो बनाने वाला यूटेंसिल, जो बर्तन है, ठीक है, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसको आग पर, चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए, फायर टू कुक। नेक्स्ट द ग्राउंड सम फ्रेश, देन नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिल्लीज एंड गार्लिक टुगेदर, उसके बाद उसने सब
जो फ्रेश कोकोनट है, ताजा नारियल है, ग्रीन चिल्लीज, हरी मिर्च है, गार्लिक है, लहसुन है, इन सबको उसने एक पेस्ट बनाया। उसने उन सबको क्या किया, काट लिया, ग्राउंड समतम को काट लिया, कीस लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने ये सब मसाला जो ग्राउंड जो उसने बनाया था, फ्रेश कोकोनट का, नारियल का, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च का और गार्लिक और लहसुन का, ये जो पेस्ट बनाया उसने, ये पेस्ट और कुछ नमक, सम साल्ट, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। उस उबलती हुई, उस पकती हुई वेजिटेबल में उसने ये सब पेस्ट डाल दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मैंने आकर्षित करने वाली, अपनी ओर खींचने वाली, कैप्टिवेटिव, उसको अपनी ओर खींचने वाली एक स्मेल उस में से आने लगी, पॉट में से, उस घड़े में से या उस बर्तन में से जिसमें वो पक रहा था, जो ये वेस्ट का जो उसने पकवान बनाया था, जो वो पकवान जो डिश बनाने लगा था वेस्ट की, उसमें से बड़ी ही अपनी ओर आकर्षित करने वाली खुशबू आने लगी थी। टेम्पटिंग स्मेल, बड़ी एक सुगंधित उसमें से खुशबू, महक उसमें से आने लगी थी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। उसके बाद उसने विप, मैंने मथना, जिसको जैसे हम कर्ड सम, उसने कुछ कर्ड को, कुछ दही को बिलोया, मथा, एंड एडेड इट टू द करी, और उस करी में उसको ऐड कर दिया उसी पकवान में। ही आल्सो पोर्ड फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। ही आल्सो पोर्ड, पोर्ड मैंने उड़ेलना, डालना, पलटना। उसने उसमें कुछ चम्मच, स्पून फुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल के भरे हुए कुछ चम्मच उसमें उड़ेल दिए, डाल दिए। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और उसने इस डिश को, इस पकवान को करी लीव्स भी डाल दी, उसमें करी लीव्स डाल दी, अच्छा बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, मतलब अच्छा बनाने के लिए। यहाँ सजाने का मतलब है अच्छा बनाना, उसमें स्वादिष्ट लाना, उसको टेस्टी बनाने के लिए। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो देखो, अब नई डिश जो है वो रेडी है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट एंड दैट इवनिंग। कुक ने उस शाम को सभी को, गेस्ट को, जो भी वहां आगंतुक थे, जो मेहमान थे, जो अतिथि थे, उनको वो सर्व कर दी, दे दी। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर आदमी इस नए पकवान का, इस नए व्यंजन का नाम जानने के लिए उत्सुक था। ईगर मैंने उत्सुक था, जिज्ञासु था, ठीक है, सब जानना चाहते थे कि इसे कहते क्या है, इसका नाम क्या है। द कुक थॉट दैट, थॉट एंड थॉट, कुक सोचने लगा और बहुत सोचने लगा, फिर अपने दिमाग पर जोर दिया, इसको क्या नाम दिया जाए। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट ओवियल। ही नेम्ड इट ओवियल, AVIAL, ओवियल, प्रोनाउंसिएशन ओवियल, ठीक है, ओवियल। ओवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में जो हमारा स्टेट है उसमें ये पूरी की पूरी डिश जो फेमस हो गई, एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और अब जो केरल के जो पारंपरिक व्यंजन हैं, जो ट्रेडिशनल व्यंजन हैं, फीस्ट हैं, उसमें इस डिश का, ये जो ओवियल है, इसका एक मेन, उसका जो प्लेस है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम बास्केट ऑफ वेस्ट। और कल्पना कीजिए, ये जो व्यंजन है ये कहाँ से बना, ये आया ए बास्केट ऑफ वेस्ट, कूड़े की टोकरी से। बास्केट ऑफ वेस्ट, कूड़े की टोकरी, वो तो वेस्ट था, तो राजा के कहने पर उस कुक ने उसको कन्वर्ट कर दिया वेस्ट को यूजफुल थिंग में। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड रीड इट केयरफुली। पे स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड्स, ठीक है, रीड इट केयरफुली। थैंक यू।